हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम होता हूं अपनी एक और नई फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले अपनी गेम के अंदर आने वाले कुछ न्यू इवेंट्स और अपडेट्स के बारे में। जैसे कि हम बात करने वाले ब्लैक टी शर्ट रिटर्न के बारे में, आपको कब इंडियन सर्वर के ऊपर ब्लैक टी शर्ट देखने को मिलने वाली है, कौन से इवेंट के अंदर देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ हम बात करने वाले यहाँ पे इमोट पार्टी इवेंट के बारे में, मतलब इमोट कलेक्शन इवेंट के बारे में। ये आपको कब देखने को मिलेगा, इसका कन्फर्म डेट आपको बताने वाले और कौन कौन सा इमोट आपको देखने को मिलने वाला है इमोट कलेक्शन इवेंट के अंदर, ठीक है। और साथ साथ में और भी काफी सारे इवेंट्स आपको बताने वाला हूं एक एक करके। और मुझे लगता है जहां तक वीडियो आज की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को पूरा देखना सबसे पहले। अगर आपको वीडियो जरा सभी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और भाई लोग, अगर आप इस बंदे की वॉइस पहली बार सुन रहे हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगर आप पहले से वीडियो मतलब मेरी देखते आए हो, मेरे इस बंदे को जानते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा, तो यार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहां पर आजकल थोड़ा चैनल का रीच भी डाउन जा रहा है, तो आपका काम बनता है यार, आपकी हेल्प की जरूरत है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो फुटबॉल की जर्सी जो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, दो दो, एक येलो वाली एक ब्लू वाली, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आपको काफी जल्द इंडियन सर्वर के ऊपर क्रेट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी, मतलब क्रेट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी इंडियन सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं कंफर्म इवेंट नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली अराउंड एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये दोनों जर्सीज देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ये वाली जो जर्सीज हैं ये आपको यहाँ पे जो है अपना क्रेट्स के अंदर अवेलेबल करवाई जाएंगी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। उसे बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम बात करने वाले यहाँ पे इलाइट पास डिस्काउंट इवेंट के बारे में। बिल्कुल सही सुना यार आपने, यहाँ पे आपको इस मंथ में इलाइट पास डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अभी कंफर्म डेट निकल के आ रही है कि 18 से 24 के बीचों बीच आपको ये वाला जो इलाइट पास डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिलेगा, वो हो सकता है कि आपको यहाँ पे लेवल अप शॉप में से हो सकता है, या फिर आपको यहाँ पे जो अपना बोल सकते हो ना लक्की व्हील इवेंट, या फिर आपको मिस्ट्री शॉप भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि इसके बीचों बीच 18 से 24 के बीचों बीच आपको कोई ना कोई हर सर्वर के ऊपर डिस्काउंट इवेंट आएगा, ठीक है। तो अपने इंडियन सर्वर के ऊपर भी डिस्काउंट इवेंट आ जाएगा। तो कौन कौन से डिस्काउंट इवेंट आने के चांसेस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहला डिस्काउंट इवेंट होने वाला है वो कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो इस डिस्काउंट इवेंट का मैं नाम भूल गया यार, सच में मैं नाम भूल गया। यहां पे आपको क्या करना होता है ना, आपको तीन रॉ दी गई होती है, तो इनमें से आपको हर रॉ में से एक एक आइटम सेलेक्ट करनी होगी, तो आप यहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो पहली रॉ का 10% ऑफ है, दूसरी रॉ यहाँ पे 25% ऑफ है, और थर्ड रॉ में से 30% ऑफ है, ठीक है। ये आपको पता है यार, ये वाला जो इवेंट है अपने इंडियन सर्वर के ऊपर आता रहता है, तो आपको हर रॉ में से या फिर आप एक ही रॉ में से तीन आइटम सेलेक्ट करनी होगी, तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना मतलब ये वाला जो इवेंट, इसके अंदर भी आपको आ सकता है डिस्काउंट इवेंट आ सकता है इंडियन सर्वर के ऊपर, जहां तक निकल के आ रहे, लीक निकल के आ रहे, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ भाई लोग, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, एक बार फिर से बोल देता हूँ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और डिस्काउंट इवेंट जो कि निकल के आ रहा है, इस इवेंट का मतलब इस डिस्काउंट इवेंट का नाम भी मैं भूल गया हूं। तो यहां पे इस डिस्काउंट इवेंट के भी काफी ज्यादा चांसेस होने वाले, जो कि आपको 18 से 24 के बीचों बीच डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेगा इंडियन सर्वर के ऊपर, तो उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको यहां पे तीन आइटम सेलेक्ट करके आप यहां पे परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है ना कि आपको अगर आप एक आइटम परचेज करोगे तो उसके ऊपर आपको कम डिस्काउंट मिलेगा, अगर दो करोगे तो उसके ऊपर आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और तीन करोगे तो उसके ऊपर और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे आइटम अपना फेथ वाला बंडल भी है यहां पे देख सकते हो, उसके बाद काफी सारे बंडल्स हैं, काफी सारी आइटम्स हैं, लेकिन अपने इंडियन सर्वर के ऊपर आई जब भी ये वाला इवेंट आया तो आइटम्स इतनी ज्यादा नहीं होंगी, कुछ ज्यादा टट्टिया वाली आइटम थोड़ा ज्यादा होंगी, लेकिन हाँ होंगी जरूर, ठीक है। तो इवेंट भी काफी अच्छे अच्छे हैं यार, मुझे जहां तक लगता है काफी ठीक ठाक से यार डिस्काउंट इवेंट आना चाहिए, बाकी छोड़ो कुछ भी। तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम बात करने वाले हैं हेलोवीन इवेंट के बारे में। तो जैसे कि यार हेलोवीन इवेंट हर एक बंदा बता रहा था कि आपको हेलोवीन इवेंट देखने को मिलेगा, तो आपके भाई ने सिर्फ बोला था कि हेलोवीन इवेंट नहीं देखने को मिलेगा, बस उसकी आइटम्स देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही होने वाला है, आपको हेलोवीन इवेंट इंडियन सर्वर के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा, जस्ट हेलोवीन इवेंट की आइटम्स देखने को मिलेगी। जब हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर दिवाली इवेंट चलेगा ना, तभी बाहर के सर्वर के ऊपर यहाँ पे हेलोवीन इवेंट चलने वाला है, जो कि उसकी आइटम्स अपने इंडियन सर्वर के ऊपर कन्फर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। हेलोवीन की इवेंट्स की जो भी आइटम्स होंगी वो हमें देखने को जरूर से जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो जो दिवाली इवेंट की आइटम्स होंगी वो बाकी के सर्वर के ऊपर अलग इवेंट के अंदर दे दी जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम बात करने वाले यहाँ पे इमोट कलेक्शन पार्टी इवेंट के बारे में। तो फाइनली यहाँ पे डेटा माइनस की तरफ से कंफर्म हो रहा है कि आपको ये इमोट कलेक्शन पार्टी काफी जल्द आपको हर सर्वर के ऊपर अवेलेबल होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अभी इसका कंफर्म डेट तो मुझे नहीं पता यार, मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, कंफर्म डेट अभी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो कि आपको बहुत जल्द ये पांच इमोट आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखते हो, कैप्टन बुइया वाला, पायरेट फ्लैग वाला, उसके बाद यहाँ पे डोगी वाला, उसके बाद ये जो इमोट्स है ना, ये आपको काफी जल्द, जो पांच इमोट मैंने आपको दिखाए, तो ये आपको काफी जल्द इंडियन सर्वर के ऊपर जो है ना कलेक्शन पार्टी इवेंट के
अंदर देखने को मिलेंगे। तो जो कि आपको पता है यार, हर सर्वर के ऊपर अलग टाइम के अंदर अलग इवेंट आता है, तो उसी के हिसाब से आपको भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लैक टी शर्ट के बारे में, ब्लैक टी शर्ट रिटर्न के बारे में, क्योंकि आपको पता है यार ये पहले इतनी रेयर नहीं होती थी, क्योंकि इस टी शर्ट के ऊपर पहले क्या होता था ना, जो अपना वेस्ट दिखती थी, ठीक है, वेस्ट विजिबल होती थी, तो उसी की वजह से ये इतना रेयर नहीं था, तब कोई भी बंदा इसको लेता नहीं था। लेकिन अभी जब इसके ऊपर वेस्ट नहीं दिखती है तो ये एकदम से रेयर बन गई, तो हर बंदे की डिमांड रह रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको काफी जल्द इस प्लिंको वाले इवेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जैसे कि लीक वगैरह निकल के आ रही है, तो उसका कहना मतलब लीक के मुताबिक आपको ये जो अपना ब्लैक टी शर्ट है ये आपको प्लिंको वाले इवेंट के अंदर या फिर आपको फेडविल के अंदर की आपको बहुत जल्द इंडियन सर्वर के ऊपर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अभी इसका भी कोई भी कन्फर्म डेट मुझे नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि आपको दिवाली इवेंट के अंदर ये देखने को मिल जाए, मतलब ब्लैक टी शर्ट देखने को मिले, क्योंकि अपना इंडियन सर्वर के ऊपर पहले से बहुत सारे इवेंट अभी चल रहे हैं, फेडविल वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए इसका थोड़ा टाइम डिले हो सकता है, लेकिन आपको ये ब्लैक टी शर्ट देखने को मिलने वाले है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।